गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपने चैप्टर चल रहा था सिक्स द पेड पाइपर ऑफ हेमिलन। इस चैप्टर को हमने देखिए यहां तक पढ़ लिया था। यहां तक इस चैप्टर को इस स्टोरी को पढ़ लिया था और आज अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए और पेज नंबर 35 पर देखिए। ओके, सॉरी 34 पे। ओके यस, देखिए इस स्टोरी में यह बताया गया है कि एक शहर होता है, उसमें एक आफत आती है, यानी उसमें एक दुविधा आती है कि उस शहर में एक चूहों द्वारा आक्रमण होता है, तो उस आक्रमण से कैसे बचना है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। हियरिंग द स्ट्रेंज म्यूजिक, अजीब संगीत सुनकर द रेट्स कम टम्बलिंग आउट ऑफ द हाउसेस एंड फॉलोड द पाइपर। चूहे घरों से बाहर आ गए और पाइपर का पीछा करने लगे। एक अजीब संगीत सुनकर चूहे जो घर में थे वो बाहर आए और जो ये अजीब संगीत बजा रहा है पाइपर उसका पीछा करने लगे। फिर देखिए द टाउन फ्लॉक्स कूड नॉट बिलीव देयर आईज। शहर के लोग उनकी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, यानी विश्वास तो नहीं होगा कि अजीब संगीत सुनकर चूहे उसके पीछे गए, वास्तव में बिलीव नहीं होता है। ओके, तो शहर के सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करे कि अपन ये क्या देख रहे हैं। फिर आगे देखिए द पाइपर लेड देम टू द रिवर वाटर्स। पाइपर उन्हें नदी के पानी की तरफ ले गया। पाइपर है जो मुरली बजाते बजाते उसको एक नदी का जो पानी होता है उसके पास ले गया, यानी वहां तक ले गया। एज द पेड पाइपर जंप्ड इन टू द रिवर, जैसे ही पेड पाइपर यानी मुचित कबरा मुरली वाला नदी में कूदता है, क्या करता है, नदी में कूदता है, ऑल द रेड्स ऑल्सो जम्प्ड बिहाइंड हिम एंड वेयर ड्राउन। तभी सभी चूहे उसके साथ नदी में कूद जाते हैं। जैसे ही जिस प्रकार जिस पेड़ पाइपर ने नदी में जंप लगाया उसके पीछे पीछे सभी चूहों ने भी जंप लगाया और वह डूब गए। फिर देखिए पीपल वेयर आवर जॉयड, लोग बहुत खुश हो गए। लोगों को इस समस्या से समाधान मिल गया तो वो तो खुश ही होंगे, तो इसलिए सभी लोग हैं वो खुश हुए। द पाइपर कम टू द मेयर टू कलेक्ट हिज गोल्ड कॉइन। अब यहां से देखना, मुरली वाला अपने सोने के सिक्के लेने के लिए मेयर के पास आया। अब उसने एक शर्त रखी थी कि इस समस्या से मैं आपको छुटकारा दिला दूं तो आपको 100 कॉइन्स देने पड़ेंगे। बट उस मेयर ने उस राजा ने ये कहा था कि आप इस समस्या से हमारे को छुटकारा दिला दो तो हम आपको 100 नहीं 200 गोल्ड कॉइन्स देंगे, यानी 200 सोने के सिक्के पर सिक्के की बात हुई थी। फिर आगे देखिए क्या होता है। ही सेड, देखिए यहां पर है अपन, सॉरी स्टूडेंट्स, ही सेड टू द मेयर, उन्होंने मेयर से कहा। अब चित कबरा मुरले वाला उस चूहों को तो नदी में डुबा दिया। अब फिर आता है अपने मेयर के पास और मेयर से कहता है, सेड टू मेयर, मेयर से कहता है सर आई हैव डन माई जॉब। सर मैंने अपना कार्य कर दिया, यानी मैंने अपना काम है वो पूर्ण कर दिया। गिव मी माई मनी, मुझे अपना पैसा दीजिए। जिस शर्त की बात हुई थी तो वह मुरली वाला कहता है कि मेरे को पैसे दीजिए। किस बात के पैसे थे,
वो आपको पहले भी बता दिया है कि इस समस्या से निकालने के लिए उसके साथ 100 गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के की बात हुई थी, उसके वो पैसे मांग रहा है। फिर आगे देखिए, द मेयर अफोर्ड हिम ओनली हाल्फ ऑफ हिज कॉइन्स। अब यहां से देखिए क्या होता है, मेयर ने उन्हें अपने आधे सिक्के देने की पेशकश की। अब कॉइन्स तो पूरे देने थे, लेकिन पहले भी अपन ने पढ़ा है कि यहाँ सिटी क्या थी, ग्रीडी यानी लालची थी, इसलिए उस राजा ने उस मुरली वाले को आधे कॉइन्स देने की बात कही। यानी अब राजा को तो ये हो गया कि अपन इस समस्या से निकल गए हैं, इसलिए क्यों ना उसको हाफ कॉइन्स दिया जाए। जैसे 100 कॉइन्स देने थे तो उसने 50 कॉइन्स देने की पेशकश की, यानी उसको बोला कि भाई इस पाइपर को 50 सिक्के दिया जाए। फिर देखिए आगे, द पाइपर गॉट एंग्री एंड लेफ्ट द चैम्बर एट वंस। उसने एक ही बार में चैम्बर को छोड़ दिया, पाइपर को गुस्सा आ गया। क्या उस पाइपर को क्या आ गया? गुस्सा, और उसने एक ही बार में चैम्बर को छोड़ दिया। अब जिस प्रकार बात हुई थी वो बात भी चेंज कर दी, और उसको तो फिर गुस्सा तो आएगा, इसलिए उसने जो सभा बैठी हुई थी वहां से उस चैम्बर को छोड़ दिया। फिर देखिए, ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन द ग्रीडी पीपल। उसने लालची लोगों से बदला लेने का फैसला किया। फिर पाइपर ने मन ही मन सोचा और कहता है कि इस लालची लोगों से बदला तो लेना ही। फिर आगे देखिए, स्टेपिंग इन टू द स्ट्रीट वंस अगेन। यहां से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके? तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर अपने हैं 7 सॉरी 6, द पेड पाइपर ऑफ हेमिलेन। इस शहर में एक समस्या आती है, और इस समस्या से समाधान करने के लिए एक युवक, उसका नाम क्या होता है, पैड पाइपर, वो आता है और उस समस्या से निकालता है। उसको 200 कॉइन्स सिक्के देने की बात होती है, बट उसको हाफ कॉइन्स देने के लिए मेयर कहता है, इसलिए वह क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अपना चैम्बर छोड़ देता है, और यह डिसाइड करता है कि इस लालची लोगों से बदला लेना ही पड़ेगा। अब आगे कैसा कैसे बदला लेता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको देखिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी पे जाइए, ये एक्टिविटीज देखिए, टिक द करेक्ट आंसर, इसको आपको समझा देते। देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉल टाउन इन जर्मनी। जो स्मॉल टाउन जर्मनी था उसका क्या नाम था, तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसमें ए है, बी है या सी है, उस पे राइट क्लिक करना है और नोटबुक में लिखना है। बी बी देखिए, सॉरी सेकंड, व्हाट वाज द टाउन फेमस फॉर। यहाँ टाउन किसके लिए फेमस था, पॉवर्टी, रिच या पीपल, लोगों के लिए, पॉवर्टी के लिए और रिच के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध था, रिच यानी धनवान था, इसलिए वह प्रसिद्ध था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, उस पर आपको राइट करना है। थर्ड देखिए, वेयर डिड द पैड लीड द रेड्स। जो पाइपर था वो चूहों को कहाँ लेकर गया था, पाउंड, तालाब में, लेक, झील में या रिवर, नदी में। तो आपको इस यह भी चैप्टर में अच्छे से समझा दिया है, इसलिए आपको होमवर्क में ये एक्टिविटीज करनी है और नोटबुक में लिखना है, और होमवर्क शाम को 5 बजे सबमिट करवाना है, 5 o'clock पर, ओके? चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।